हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टिकी टेबल के जो फीचर है रिएक्टेबल 8 में, क्योंकि रिएक्टेबल 8 में कोई भी इनबिल्ट इस तरह का फीचर नहीं आता जिससे कि आप स्टिकी टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले एकदम ईजी से ईजी तरीके से कैसे हम लोग स्टिकी टेबल के जो प्रोसेस या फिर जो भी कोड है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो के कुछ सीरीज में किसी भाई ने कमेंट किया था कि कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, काफ़ी वो प्रॉब्लम में थे। तो फाइनली यहाँ पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए कि भाई कैसे आप बहुत ही इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल दो चार पांच लाइन का कोड है, उससे ज्यादा नहीं होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। ये रहा फाइनल डेमो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई पेजिनेशन वाले वीडियो के साथ बताना है, पेजिनेशन फीचर के साथ बताना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे पेजिनेशन वाला जो हमारा वीडियो बनाया, ठीक है, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा फिर से आप देखो, लेकिन वही कोड को हम लोग उठाएंगे अभी और उसी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो स्टिकी टेबल यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेडर और फुटर भी फिक्स है जो कि स्टिकी यहाँ पर है और बाकी सब यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ये फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से क्लिक क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपली आपको पेजिनेशन पे जाना, क्योंकि भाई ने बोला कि भाई आप पेजिनेशन वाले एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो मैं सिंपली पेजिनेशन वाले एग्जाम्पल को ही पकड़ के यहाँ पर उसी 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 पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, इसके लिए मैं कोई अलग से ब्रांच नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल से एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत लोगों हो सकता है ये प्रॉब्लम हो क्योंकि ये जो स्टिकी वाला फीचर है ये नहीं है रिएक्टेबल 8 में और आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, काफ़ी ये पेचीदा सा है, ठीक है। ईजी इंप्लीमेंट करना, लेकिन पेचीदा सा चीज़ होता है ना, बहुत चीज़ ईजी होता है उसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। तो इसके लिए अलग से नहीं बना रहा हूँ, सिंपली वीडियो आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेजिनेशन वाले यहाँ पर ब्रांच पे आने के बाद, इसके बाद आपको यहाँ फोर कमिट्स पे क्लिक करना है। देखते हैं यहाँ पर ऐड पेजिनेशन फीचर है और यहाँ पर अच्छा ऐड टेबल स्टाइलिंग, ये मुझे यहाँ तक लगता है ये फाइनल कोड होगा अपना, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोड पे क्लिक करते हैं। हो सकता है थोड़ा माउस का ये दिखता होगा, मतलब कर्सर का उससे, क्योंकि थोड़ा मेरा माउस खराब है तो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये हम अपना कोड डाउनलोड हो गया, इसको जल्दी से चलते हैं डेस्कटॉप पे और इसको मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सिंपल है। तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डेस्कटॉप पे और ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, सिंपल है, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, तो सिंपली इसको आप अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन विद कोड करते हैं, तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका था, सिंपली टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल और यहाँ पर npm इंस्टॉल एंड npm इंस्टॉल, ठीक है। इंटरफेस करते हैं तो सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमारा क्या था एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा सिंपल ब्राउजर पे आ चुका है भाई मेरे, क्योंकि तुमने कमेंट में बोला था कि भाई कम पेजिनेशन वाला एग्जांपल के साथ बताना, तो ये पेजिनेशन वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो इस पे चलो देखते हैं इंप्लीमेंट करके कि कैसे इसमें हम लोग स्टिकी टेबल काफी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जाते हैं वापस कोड पे, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, मिनिमाइज हो गया टर्मिनल। अब सर्व्स में कंपोनेंट्स के अंदर बेसिक टेबल डॉट जेएस पे जाते हैं, सारा कोड को कॉलेप्स कर लेते हैं, कंट्रोल के और जीरो एक साथ प्रेस करेंगे तो सारा कोड कॉलेप्स हो जाना चाहिए। भाई थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे से ये, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं यहाँ से, भाई देखो जितना भी इसमें आपको चेंजेस करना है, आप जावास्क्रिप्ट पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सारा कुछ सीएसएस में करना है, ठीक है। तो सीएसएस फाइल को ओपन करते हैं क्योंकि अब समझ में आना चाहिए, और स्टिकी है तो भाई कहीं ना कहीं सीएसएस का पार्ट होगा। तो भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, मैं एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आप मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो स्टिकी। सिंपली करना क्या फ्रेंड्स, आपको एक कंटेन में बनाना है टेबल का हाइट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, अगर आप चेंज करो जिसमें डेटा अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से हो जा रहा है, तो हम लोग अगर लिमिट करना है टेबल का हाइट को डायरेक्टली यहाँ पर अगर हाइट अप दोगे तो नहीं काम करेगा। वो इसलिए नहीं काम करेगा, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं करेगा तो बस मतलब बोलने का बोल दिया कि भाई ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। टेबल को जो देखो सबका ना डिस्प्ले अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, आप सिंपली जानते हो ना कि एक होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी इनलाइन सेट कर दो डिस्प्ले का प्रॉपर्टी या फिर ब्लॉक सेट कर दो या फिर इनलाइन ब्लॉक, इतना ही जानते हो। बट बहुत सारा डिस्प्ले का अलग अलग कुछ प्री डिफाइन या इनबिल्ट बोलते ना इनबिल्ट फीचर है, तो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिस्प्ले टेबल या टेबल। अब चेक करोगे, मैं सिंपली थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपली थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आता है कि उसका रीजन समझ में आए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब वीडियो में होता है ना कि भाई ऐसा ही करना है, लेकिन क्यों करना है वो तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो मैं आपको वो साथ में बता दे रहा हूँ। अगर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखोगे टेबल का ये रहा, ठीक है, तो आप डिस्प्ले चेक करो यहाँ पर, ये देखो डिस्प्ले टेबल है, लेकिन आप यहाँ तक जानते हो, बहुत से लोग जानते हो भाई डिस्प्ले इनलाइन होता है ब्लॉक होता है या फिर इनलाइन ब्लॉक होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप MDN में जाकर डॉक्यूमेंटेशन में चेक करोगे डिस्प्ले का, बहुत सारा मतलब प्री डिफाइंड वैल्यूज होता है जो कि यूज करता है वो खुद के लिए। तो ये क्योंकि टेबल है तो इसका कुछ खुद का कुछ अपना रूल्स है, जिसकी वजह से मतलब उसको हाइट को आप नहीं सेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ उसका प्री डिफाइन स्टाइल है जिसके डिस्प्ले टेबल का, इसको अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो तो सिंपल है। अब देखो भाई, इसको अगर तुम डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक सेट कर दोगे ना, तो इजीली तुम टेबल का हाइट को सेट कर सकते हो, यानी जो स्क्रॉल बार ऐड हो जाए और फिर स्टिकी टेबल। लेकिन वैसे अगर मैंने किया था, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं हो फिर बहुत
भद्दा सा और घिसा पिटा हो जाता है भाई, वीड सेट नहीं, वीड पूरा नहीं वो एक्सटेंड होता है, काफी झोल जा रहा है, ठीक है। तो मैंने फाइनली एक सिंपल और अच्छा एग्जांपल मतलब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा बना के। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको पहले जाना है यहाँ पर, और जावास्क्रिप्ट में कुछ भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, मतलब जेएसएक्स नहीं, सिंपल है, रिटर्न में जाना है। यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है ना, इसको बस कट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आप डिव एड दो, और जिसका क्लास नेम कुछ भी आपको जो अच्छा लगे आप दे देना आपके हिसाब से। मैं दे रहा हूँ टेबल कंटेनर, क्योंकि सुटेबल नेम है टेबल कंटेनर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा स्लो दिखे, मतलब जैसे मैंने बोला कीबोर्ड और माउस थोड़ा सा खराब है तो उस वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर बस आपको पेस्ट कर देना उसको जो आपने कट किया था, बस एक कंटेनर बना के पेस्ट कर देना, हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं, बस इतना ही से यहाँ पर करना था आपको, और वापस इसको क्लोज करते हैं। अब इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर वापस चलते हैं अपने सी एस एस फाइल पर। अब यहाँ पर फ्रांस क्या करते हैं, एक वही क्लास यहाँ डिफाइन करते हैं टेबल कंटेनर, यहाँ पर टेबल कंटेनर इस तरीके से, और इसका सिंपली मैक्स हाइट देते हैं। मैक्स हाइट मतलब तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वर्ड से पकड़ो समझ में आ जाता है, मैक्स हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट। तो जैसे मैं रैंडमली दे रहा हूँ यहाँ पर 500 pixels, ठीक है, आपको जितना सही लगे दे देना, ठीक है। ये हमने दे दिया, इसको अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अजीब दिख रहा है, देखो ये जो पेजिनेशन वाला यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा लगता है यार ये क्या हो रहा है। बस आपको यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल, यानी ओवरफ्लो हो रहा है ना कंटेनर हमारा, नहीं देख रहे हो, ओवरफ्लो हो रहा है ना। ओवरफ्लो कहने का मतलब कि एक ऊपर एक जब आ जाता है तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। तो ओवरफ्लो हो रहा है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्रॉल, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा तो स्क्रॉल ऐड कर देने बोल रहे, तो सिंपल है, स्क्रॉल हो गया। अब भाई यहाँ पर भी आ रहा है, बहुत भद्दा सा लग रहा है, इसको ठीक करते हैं। तो हम लोग ओवरफ्लो एक स्वाइप भी आता है, वाई यानी टॉप टू बॉटम और एक्स यानी लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर ओवरफ्लो वाई देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये टॉप टू बॉटम आएगा, ठीक है, ये रहा। अब इसका हाइट थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, 500 थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, 600 आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, सही है, ठीक है। अब इसको स्टिकी कैसे बनाएंगे, स्टिकी बनाना काफ़ी सिंपल है। स्टिकी बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वापस जाना है कोड पे, और यहाँ पर क्या करना है, टी हेड और टी, क्योंकि हमारे पास वो दो है, एक तो टी हेड है ये वाला पार्ट है और टी फुट है, तो दोनों की स्टिकी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो आपका एक है तो आप एक को बनाओ जैसा आपको सही लगे, क्योंकि मुझे दो को बनाना, तो मैं सिंपली लिखूंगा टी बॉडी नहीं है टी हेड, क्योंकि जो हेडिंग वाला है ना वो टी हेड पार्ट के अंदर आता है, और नीचे जो फुटर है तो टी फुट के अंदर आता है, तो टी फुट इस तरीके से देना, और उसका कर्ली ब्रेसेस आपको देना। इसका सिंपली आपको पोजीशन प्रॉपर्टी स्टिकी सेट करना है, पोजीशन स्टिकी, ठीक है, ये हो गया। और फ्रेंड्स आप और चीज़ यहाँ सेट करना है कि स्टिकी इतना ही से नहीं होगा, कि जब मतलब स्टिकी पोजीशन आ गया वो उसका डिफॉल्ट आप पोजीशन कितना देना चाहते हो, जब स्क्रॉल होगा ना तो डिफॉल्ट पोजीशन कितना देना चाहते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई टॉप वाला टॉप पे रहे और बॉटम वाला बॉटम पे रहे, सिंपल है। तो टॉप का एकदम इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, बॉटम का भी बॉटम से देखोगे तो जीरो होता है। तो सिंपली टी हेड जो हम लोग चाहते हैं ऊपर में रहे, तो सिंपली इसका पोजीशन हम लोग सेट, सॉरी पोजीशन नहीं, टॉप सेट कर देंगे जीरो, यानी कि जब स्टिकी मोड पे आ जाएगा ना, स्टिकी मोड में यानी जब इसको स्क्रॉल किया जाएगा तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, जीरो सेट कर देंगे, तो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। अगर 10-5 इस तरह से देखो तो थोड़ा नीचे सेट हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं टॉप वाला जो है एकदम टॉप पे रहे, और बॉटम वाला यानी कि टी फुट को भी हमने स्टिकी सेट किया ना, तो टी फुट का फिर बॉटम सेट कर देंगे जीरो, यानी कि बॉटम वाइज, अरे यार दो हो गया कॉलन, बॉटम वाइज बॉटम पे रहे, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, तो कम यहाँ पर डेटा इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, अगर डेटा थोड़ा ज़्यादा हो तो सही लगेगा, ठीक है। तो इसका हाइट कम कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा ना कि मतलब वो डेटा ज़्यादा होगा तो स्क्रॉल करने में समझ में आएगा, हाँ भाई स्टिकी है, ठीक है। तो डेटा हिसाब से डिपेंड करता है, अगर सूट यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 500 तक ले जा सकता हूँ, 600 तक लेके जाते हैं, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टिकी बना सकते हो, तो काफ़ी सिंपल है भाई, ये एग्जांपल काफ़ी सिंपल है, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएगा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, लेकिन फाइनली मुझे मतलब थोड़ा ट्राई करने के बाद लगा कि भाई ये जो है ये सही से बेटर है ये तरीका, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल है ये, तो आशा करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा तुमको कि कैसे इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो स्टिकी टेबल रिएक्ट टेबल 8 में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।